देश भर में जीएसटी लागू हो चुका है। सरकार इसे आजादी के बाद से सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बता रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आशा जताई कि नई व्यवस्था यानी जीएसटी से आम लोगों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा और गरीबों को इसका फायदा मिलेगा। ऐसे में रियल एस्टेट पर जीएसटी का क्या असर होगा, किस तरह की हाउसिंग सोसाइटी में रहना महंगा होगा, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर टैक्स दर से बायर्स को किस तरीके से फायदा होगा, आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। तो सरकार ने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर जीएसटी 12 से बढ़ाकर 18 कर दिया है, लेकिन सरकार ने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर लगने वाले जीएसटी में जमीन की कीमत को शामिल नहीं करने का फैसला किया है। इससे बायर्स को फायदा होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी पर आए सरकार के नए निर्देश से होम बायर को राहत मिल सकती है। सरकार ने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर लगने वाले जीएसटी में जमीन की कीमत को शामिल नहीं करने का फैसला किया है। एक प्रकार से हम लोगों ने इतिहास बनते हुए देखा है संसद में, क्योंकि जो पिछले 70 साल से चल रही थी एक टैक्स व्यवस्था, उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था के 4 कानून लोकसभा ने पारित किए हैं और ये पारित होना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है उस दिशा में। देश की जीडीपी में भी 1 से लेकर 2% तक की वृद्धि की संभावना है और जीडीपी बढ़ेगी तो बट नेचुरल है कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दरअसल किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जमीन की कीमत की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सरकार के फैसले के बाद अब जीएसटी का बोझ कम होगा। हालांकि सरकार ने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर जीएसटी 12 से बढ़ाकर 18% कर दी है। इसके बावजूद डेवलपर्स का कहना है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट में बड़ा हिस्सा लैंड वैल्यू का होता है और लैंड वैल्यू के हटने से जीएसटी का बोझ कम होगा, इसका फायदा बायर्स को भी मिलेगा। 18% जीएसटी लगेगा, लेकिन 33% लैंड के नाम की छूट होगी, तो 12% इस पर इम्प्लीमेंट होगा। यदि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो जैसे जैसे वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेगा उसके साथ पेमेंट करेगा, जैसे सर्विस टैक्स का पहले पेमेंट होता था। और रियल स्टेट के लिए जब जैसे जीएसटी और रेरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो रियल स्टेट की जो स्थिति आज है उससे उभरने का मौका मिलेगा। पहले कंस्ट्रक्शन पर सरकार ने 12% जीएसटी लगाने का ऐलान किया था। जीएसटी लागू होने से पहले बायर्स डेवलपर को 4.5% सर्विस टैक्स देते हैं, जबकि 1% वैट और रजिस्ट्री के वक्त 5 से 8% स्टैम्प ड्यूटी देते हैं। इस तरह बायर्स को घर खरीदने के वक्त करीब 11.5% टैक्स देना होता है, लेकिन 1 जुलाई से जीएसटी देश भर में लागू हो गया और जीएसटी के लागू होने के बाद बायर्स को सर्विस टैक्स के बदले 12% टैक्स देना होगा, जबकि रजिस्ट्री के वक्त 6% स्टैम्प ड्यूटी पहले की तरह जमा करानी होती। इस तरह बायर्स को कुल 18% टैक्स देना पड़ता। हालांकि अब सरकार ने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर 18% जीएसटी और लैंड कॉस्ट घटाने की बात कही, इससे होम बायर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट समाचार प्लस। और चलिए इन तमाम सवालों का जवाब तलाशते हैं। इस बीच मेरे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपको बहुत बहुत कार्यक्रम में। जिस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं जीएसटी को लेकर, जो तमाम उपभोक्ता हैं या जो तमाम बायर्स हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं कुछ जो गलतफहमियां वो बनी रहती है लोगों में। अगर हम बात करें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को, जिसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर भी देखा जाता है, इसमें कई चीजों का इस्तेमाल होगा, जैसे जमीन है, सीमेंट है, स्टील है, अगर हम इसकी बात करें तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, क्या टैक्स का जो पैमाना होगा वो किस तरीके से होगा? देखो पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो जीएसटी को एक समस्या नहीं, एक समाधान है चीजों का। जो टैक्स को हम अलग अलग तरीके से दिया करते थे, अब एक टैक्स एक सिंगल नाम में आ गया जिसे जीएसटी बोलते हैं। और इसमें जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी होंगे इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो जमीन के ऊपर मकान बन रहा और एक जो बिल्डिंग बन रही है, दोनों पे अलग अलग चीजें आती हैं। गवर्नमेंट ने जो लैंड कंपोनेंट है, लैंड शेयर है, उस पे अज्यूम करके कि 1/3 होगा, इसे 6% की रिबेट पहले ही दे दी है। 18% जीएसटी है रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज में, लेकिन 6% का डिस्काउंट इसलिए दिया गया है कि इसमें लैंड कंपोनेंट के ऊपर, क्योंकि ना तो वो कोई प्रोडक्ट है और ना ही कोई वो सर्विसेज है, उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया जाता, स्टैंप ड्यूटी दी जाती है, वो हम रजिस्ट्री के टाइम पे देते हैं। एक तो हमें ये राहत मिली है कि इसके ऊपर लैंड कंपोनेंट के ऊपर कोई किसी तरीके का टैक्स नहीं है जी। और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें चाहे बिल्डिंग मटेरियल्स आ गए हैं, चाहे लेबर आ गई है,
या उसका फिनिशिंग आइटम है, फिक्सर्स हैं, इन सबों के ऊपर मिला के जो 12% जीएसटी लगेगा। और जो लोगों में धारणा है जीएसटी 12% होने से हमें प्रॉपर्टी महंगी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर चीजों में जब टैक्स बार बार नहीं लगेगा, पहले सीमेंट पे अलग से लगता था, स्टील पे अलग लगता था, लेबर पे अलग लगता था, और फिनिशिंग आइटम के ऊपर, इंपोर्टेड आइटम के ऊपर अलग अलग टैक्स लगते थे। अब सब टैक्सों को बार बार ना देके, लेकिन मंजर साहब समझेंगे इसी पेज को हम आपसे, कि अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर 18% टैक्स लगेगा और जो लैंड कॉस्ट है अगर उसकी हम बात करें उससे कम करने की बात की गई, फिर ऐसे में कैसे फायदा होगा? देखिए, इसको बिल्डर जब बार बार अलग अलग दरवाजों पे टैक्स देता था, अब वो एक जगह देगा, उसका भार वो पहले भी इन्वेस्टर के ऊपर डालता था, आज भी डालेगा, तो बिल्डर के ऊपर उसका बोझ नहीं पड़ेगा, वो आगे पासन नहीं करेगा। जीएसटी सिस्टम में एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी है, बिल्डर हिडन रूप से कोई टैक्स को गलत तरीके से चार्ज नहीं कर सकता। अगर हम जीएसटी को एक अपना एक ईमानदारी का उत्सव मान के चलें, एक फेस्टिवल मान के चलें, जैसे हम व्रत में अपने चीज को धारणा करते हैं कि उसमें धार्मिक रूप से हम निभाते हैं व्रत को, इसी तरह टैक्स को भी अगर धार्मिक परिक्रमा ने उसमें कोई बेईमानी ना करें, झूठ का सहारा ना ले, तो हमें कोई भी प्रॉपर्टी महंगी नहीं लगेगी। सिर्फ सरकार तो नीति बनाती है, नीयत तो बिल्डर को तय करनी है। हाँ। अगर बिल्डर को चोरी करने लगेगा या हम टैक्स को झूठ सच बताएंगे तो हमारी चीज महंगी लगेगी। जो सरकार ने कानून बनाया जो इन्वेस्टरों को देखते हुए उनके ऊपर बोझ ना पड़े और बिल्डर अनाप शनाप तरीके से पैसा चार्ज ना कर पाए। लेकिन बंसल साहब, यहाँ पर यह भी है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर 18% जीएसटी किया गया है, उसके बाद लैंड कॉस्ट कम करने की बात की गई है, तो लैंड कॉस्ट कम करने की क्या जरूरत पड़ी, और अगर जरूरत थी लैंड कॉस्ट कम करने की तो फिर जीएसटी 18% क्यों किया गया, ये भी समझेंगे आप? लैंड कॉस्ट जो सर्कल रेट पे डिपेंड करती है जी, कुछ जगह प्रॉपर्टी सर्कल रेट से भी कम है। हाँ। सरकार इस पे भी विचार कर रही है सर्कल रेट कम करें, हरियाणा में बहुत जगह कम हो गया, यूपी भी इसकी चर्चा में है, दिल्ली भी इसकी चर्चा में, सर्कल रेट आज मार्केट की रेट से ज्यादा है, इसको कम कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी कम करने की कोशिश कर रही है, ये एक स्टेप बाय स्टेप चीज होगी। चीज का कैसे फायदा मिलेगा? लैंड कॉस्ट कम कर दी गई है, बता रहे कि स्टैम्प ड्यूटी भी कम करने की कोशिश सरकार कर रही है, सीधे तौर पर अगर हम बायर की बात करें तो उसे किस तरीके से फायदा मिलेगा? एक हमारी 50 लाख की प्रॉपर्टी है, उसमें 15 लाख की जमीन है, 35 लाख का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, और जो 15 लाख के ऊपर तो टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो 15 लाख गवर्नमेंट से 12 लाख कर देगी, सरकार रेट कम हो जाएंगे, तो 3 लाख का और प्लस उसका जो टैक्स लगने और चीजें सब उससे फायदा होगा, जो स्टैम्प ड्यूटी बचेगी। इसलिए अगर सर्कल रेट कम होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी कम होती है, जो सरकार की पूरी कोशिश है और सरकार इस दिशा में सोच रही है, जो पिछले 3-4 साल में जो आंकड़े आए हैं, हमारी जो डेमोग्राफी आई है, उस डेमोग्राफी में पता चल रहा है सेल परचेज बहुत कम हो रही है, उससे सरकार को चिंता हो रही है कि अनसोल्ड इन्वेंट्री हमारे लिए चैलेंज बनी है। इन सबों को करने के लिए सरकार ने सर्कल रेट कम करने की और स्टैम्प ड्यूटी कम करने की मंशा बनाई है। जी बंसल सर, ये भी जानेंगे आपसे कि पहले बायर्स को कितना भुगतान करना पड़ता था और अब जीएसटी के बाद बायर्स को कहां कहां फायदा होगा और अब कितना भुगतान बायर्स को करना होगा? देखो, पहले जो बिल्डर को जी सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और सेस, लेबर सेस, भांति भांति के टैक्स देने पड़ते थे, उसका रिकॉर्ड कीपिंग होता था, उसमें वो चोरी करने को मजबूर हो जाता था। आज जब एक वन विंडो सर्विस होगी टैक्स की, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होगी, और वो चाहे वो सीमेंट खरीदता है चाहे स्टील खरीदता है, उसमें टैक्स देता था, अब वो बिल्डर को मजबूरी हो जाती थी इन्वेस्टर से चार्ज करने की। अब वो चीजें बार बार रिपीट नहीं होंगी, बिल्डर के ऊपर भी जब नहीं होंगी वो हमारे इन्वेस्टर से नहीं लेगा, इसलिए एक वन विंडो करने से एक सिंगल बिल्कुल वन विंडो करने से बायर को जरूर यहाँ पर फायदा मिलेगा। लेकिन मंसूर साहब, पहले कितना बायर को पे करना पड़ता था और अब जीएसटी के बाद क्या स्थिति होगी बायर की? पहले हमें 4.5% सर्विस टैक्स देना पड़ता था, वेट जो मटेरियल पे वेट देता था, बिल्डर हमसे चार्ज करता था। अगर देखा जाए हमें 2-2.5% प्रॉपर्टी में इस वक्त कम कॉस्ट पड़ेगी नए टैक्स रिज्यूम के हिसाब से। पुराने टैक्स में जो अलग अलग तरीके से कुछ तो टैक्स ज्यादा थे, जगह जगह देने पड़ते थे, कोई बिल्डर भी उसे बेईमानी करते थे, बिल्डिंग की जो स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ होती थी, पैसे पहले वसूल लेते थे। अब जो वन विंडो हो जाने से बिल्डर बार बार चीजें करके बेईमानी नहीं कर पाएगा जी। तो यानी कुल मिलाकर आप कह रहे हैं मंत्री साहब कि जैसे जैसे जीएसटी को लेकर आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उससे वैसे ही बायर्स को सीधे तौर पर फायदा होगा, क्योंकि वन विंडो होगी और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बिल्डर्स होगा उसके लिए भी बहुत कम ऐसी जगह होगी जहां पर वो बायर को नुकसान पहुंचा पाए। देखिए, अभी जो कानून बना है
इसमें उजड़ बुन करेंगे, बिल्डर लोग अपना दिमाग लगाएंगे, उनका शैतानी दिमाग है, उसमें कमियां ढूंढेंगे। इस चीज को करने के लिए सरकार ने बहुत खुले दिमाग से चर्चा करके जो कानून बनाया है, फिर भी कोई कमी हो जाएगी, कुछ संशोधन की जरूरत पड़ेगी, हमारी सरकार खुले दिमाग से सोचती है, उसका समस्याओं का समाधान निकालेंगे। अब अगर हम मान लें कोई प्रॉपर्टी, बड़े जो विलाज है, 5 करोड़ का एक विला है, उसमें 50 लाख की कंस्ट्रक्शन है, 4.5 करोड़ की जमीन नहीं है, अब उसमें देखो संतुलन जहां बिगड़ जाएगा कि 33% डिस्काउंट देना है, उसके लिए सरकार समस्याओं का समाधान निकालेगी। पहले भी कोर्ट में केसेस में 70-80% तक रिबेट दी गई जहां लैंडेड बहुत ज्यादा है, ऐसी अगर चीजें समस्या आएंगी जहां जीएसटी को फिट नहीं बैठेगा, उसके लिए अलग केस को सॉल्व करा जाएगा। बिल्कुल, और इसका सीधा तौर पर जो फायदा है वो बायर्स को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। 5,000 से ज्यादा मंथली मेंटेनेंस और सालाना कोष 20 लाख से ज्यादा हो, ऐसी हाउसिंग सोसाइटी पर जीएसटी के तहत 18% टैक्स देना होगा। इस तरह पहले के मुकाबले होम बायर्स को 2.5% टैक्स ज्यादा चुकाना होगा। एक जुलाई 2017 से देश भर में जीएसटी लागू हो गया है। जीएसटी के तहत 1:1 टैक्स चुकाया जाएगा। हालांकि जीएसटी के बाद देश में प्रॉपर्टी के रेट कम होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी से लेस सोसाइटी में रहना जीएसटी की वजह से आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। जीएसटी जितनी भी अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज या डेवलपर सोसाइटी बनेंगी, उसके अंदर मेंटेनेंस के ऊपर जीएसटी इम्प्लीमेंट होगा। इनिशियल स्टेज पर ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं नुकसान होने को जा रहा है, लेकिन आप इसको लॉन्ग टर्म में देखना चाहें तो इसका बेनिफिट मिलेगा। आने वाले टाइम में जब आपके पास रिवेन्यू काफी हो जाता है तो सरकारें भी उस पर रिडक्शन रेट ऑफ जीएसटी रिड्यूस करती हैं, तो वो टाइम भी आएगा कि जब हमारे पास रिवेन्यू काफी आना शुरू हो जाएगा तो जो टैक्सेशन रेट है इसको सरकार रिड्यूस करेगी। महंगा होगा रखरखाव। अगर आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां आपको 5,000 रुपए से ज्यादा का मासिक मेंटेनेंस देना पड़ता है, तो आप जीएसटी के अंतर्गत 18% टैक्स देंगे। हालांकि मौजूदा रेट के हिसाब से सोसाइटी में रहने वाले को 15.55% टैक्स देना पड़ता है, जिसमें 15% सर्विस टैक्स, 0.5% स्वच्छ भारत सेस, 0.05% गैर खेती टैक्स शामिल होता है। जीएसटी लागू होने के बाद इसमें आपको 2.5% और अधिक टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स। जीएसटी के अलावा राज्य कानून के तहत प्रॉपर्टी ओनर को वार्षिक आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना होगा। एक्स्ट्रा चार्जेस। सालाना मेंटेनेंस के अलावा पानी और दूसरे उपयोगी बिल में टैक्स अलग हेड के तहत लगाया जाएगा। रिपेयरिंग होगी महंगी। आवासीय सोसाइटी में मेंटेनेंस और रेनोवेशन के लिए सीमेंट, पेंट, सरिया, स्टील जैसा सामान खरीदा जाता है, ऐसे में इन वस्तुओं की खरीद पर टैक्स कट सकता है, लेकिन ये केवल तभी पॉसिबल होगा जब निवासियों के कल्याण संगठन ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा उपयोग किया हो। मरम्मत फंड 18% टैक्स रेट के अंतर्गत होगा। महंगी हाउसिंग सोसाइटी पर टैक्स। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज जिनका सालाना जमा 20 लाख से ज्यादा हो, उनको जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इसके साथ ही मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 5,000 रुपए प्रति फ्लैट से ज्यादा हो और सोसाइटी का सदस्यता आधार बड़ा हो, साथ ही सालाना कोष 20 लाख से ज्यादा होगा, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे। इस बीच हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी लगातार बने हुए हैं। शरद जी, जानेंगे आपसे कि अगर हम बात करें हाउसिंग सोसाइटी की, तो उस पर किस तरीके से असर डालेगा जीएसटी, और खासतौर पर उन सोसाइटीज पर जिनका कोष 20 लाख से ज्यादा होगा। देखिए, कोई भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी होती है, उसको मंथली मेंटेनेंस जैसे वॉच एंड वार्ड, लैंडस्केपिंग, पार्किंग और ड्रेन क्लीनिंग, छोटी फायर फाइटिंग है, लिफ्ट की मेंटेनेंस है, इन सब के लिए सब लोगों को मिलके आरडब्ल्यू बना के उसमें पैसा देना पड़ता है, क्योंकि बिल्डर ने तो आपको सोसाइटी हैंडओवर कर दी। अब उस सोसाइटी में जो रेजिडेंट है एक अपनी एसोसिएशन बना लेते हैं, उसके मेंटेनेंस को करते हैं जी। उसका बड़ा नॉमिनल खर्चा होता है, नॉर्मली देखा जाता है जो साल का खर्चा आता है सब मिलकर वहन कर लेते हैं। जैसे 5,000 रुपए की आपने बात करी जो मेंटेनेंस वाली सोसाइटी, ऐसी बहुत कम है बिल्डर कंस्ट्रक्टेड सोसाइटी जी, जहाँ पे बिजली नहीं है, जहाँ कमर्शियल रेट में बिजली आ रही है, जहाँ गवर्नमेंट का प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, वहाँ हो सकता रेट ज्यादा हो। लेकिन अगर 2.5% ज्यादा, पहले भी हम 15% सर्विस टैक्स देते थे, अगर 2.5% आज हम दे रहे हैं जी,
उससे हमें मात्र 125 रुपए का फर्क से हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे को जो मटेरियल के ऊपर आपको हम जीएसटी पे करके लेकर आएंगे, जो खरीदेंगे उसमें बचत होगी। इसके हिसाब से हमें 125 रुपए मात्र देने से 2.5 रुपए महीने की बचत होगी हमें इसमें। इसमें जो टैक्स बढ़ने जाने उनके घबराइए नहीं, आप इसको थोड़ा सा ऑपरेट होने दीजिए, आप भी इसे यूज टू हो जाएंगे तो पता चलेगा हमें कितने फायदे हुए इससे। जी चलिए बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ एक बार फिर से बात करेंगे। बैंक सस्ते लोन देने के लिए तैयार है दरअसल, और इसकी लोन की पेशकश भी बैंकों की ओर से की जा रही है, लेकिन आपको लोन तभी मिल सकता है जब आप अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा कर सकेंगे। आपका क्रेडिट स्कोर सुधारने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखने की जरूरत है, जिसके लिए आपको बता दें कि सपनों के घर के लिए लोन लेना आसान होगा, कुछ बातें आपको जरूर ध्यान रखनी होगी। बच्चों की पढ़ाई, घर कार समेत कई बड़े खर्चों के लिए लोग लोन लेते हैं, लेकिन बैंक लोन की रकम आपके क्रेडिट स्कोर को देखकर ही तय करते हैं। ऐसे में कई बार आप जितनी रकम लोन के तौर पर चाहते हैं आपको नहीं मिल पाती। इसके लिए जरूरी है कि आप लोन अप्लाई करने से पहले अपना क्रेडिट स्कोर ठीक कर लें। क्रेडिट ब्यूरो आपका क्रेडिट स्कोर 300 से लेकर 900 के बीच तय करते हैं। 750 का स्कोर बेहतर माना जाता है, वहीं 675 के क्रेडिट स्कोर को कई बैंक बेंचमार्क मानते हैं। इससे नीचे क्रेडिट स्कोर होने पर बैंक अक्सर लोन देने से मना कर सकते हैं, लेकिन अगर बैंक लोन देने के लिए तैयार भी हो जाए तो भी आपको अधिक ब्याज दर की पेशकश की जाएगी। ऐसे में आपका क्रेडिट स्कोर जितना ज्यादा होगा आपको लोन भी उतनी जल्दी मिल जाएगा। पेमेंट हिस्ट्री को ठीक करें। होम लोन के लिए अप्लाई करने से पहले जांच लें कि आपने पिछले 6 महीने में किसी लोन या क्रेडिट कार्ड की किश्त डिफॉल्ट तो नहीं की है। यदि ऐसा है तो बैंक से बात कर इस डिफॉल्ट की भरपाई कर दें, नहीं तो ये आपको लोन मिलने में बड़ी बाधा बन सकता है। गैर जरूरी खाते बंद कर दें। बंद पड़े बैंक खाते की वजह से बैंकों का आप पर बकाया जमा हो जाता है, ऐसे में आप अपने सभी गैर जरूरी बैंक खातों को बंद कर दें। बार बार लोन लेने के लिए आवेदन नहीं करें। आपके लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की दशा में आपके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है, ऐसे में एक ही जगह पर एक बार में लोन के लिए अप्लाई करें। क्रेडिट कार्ड के गैर जरूरी इस्तेमाल से बचें। अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी क्रेडिट लिमिट का उपयोग करने से बचें। ऐसा माना जाता है कि 40% क्रेडिट लिमिट का उपयोग आप करते हैं तो आपका स्कोर बेहतर बना रहता है। अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाएं। जिन लोगों का कोई फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है उन्हें लोन मिलने में परेशानी हो सकती है, ऐसे में अपना फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बनाएं। गारंटर बनने में सावधानी बरतें। किसी का गारंटर बनने से बचें। दरअसल वो व्यक्ति जिसकी आपने गारंटी ली है वो डिफॉल्ट कर जाता है तो उसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। सभी तरह के लोन का रिकॉर्ड रखें। आपके पास सभी प्रकार के लोन का रिकॉर्ड होना चाहिए। इस तरह की कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देकर आप अपना क्रेडिट स्कोर बेहतर कर सकते हैं और लोन पर सस्ती ब्याज दर पा सकते हैं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट समाचार प्लस। मंजिल साहब एक बार फिर से आप ही का रुख करेंगे, दिखा रहे हैं अपने दर्शकों की अगर उन्हें होम लोन चाहिए और अगर उन्हें बिना किसी दिक्कत के होम लोन चाहिए तो अपना क्रेडिट स्कोर वो मेंटेन करके रखे। ऐसे में एक बड़ी समस्या यहाँ पर होती है लोगों के सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि क्रेडिट स्कोर किस तरीके से मेंटेन किया जाए और किस तरीके से इसका फायदा उठाया जाए। देखिए हम जो क्रेडिट स्कोर को ये आपको लोन को अवेल करने की क्षमता को बोलते हैं जी, आपके कैसा पास्ट में कैसा व्यवहार है बैंक से, कुछ चेक बाउंसिंग, ज्यादा क्रेडिट कार्ड, टाइम पे पेमेंट ना करना, डिफॉल्ट या कोई ना कोई कारण से बैंक से आपके संबंध मधुर नहीं रहते, ऐसे में बैंक का स्कोर आपका गिर जाता है। या बार बार एप्लीकेशन लगाना, आपकी एलिजिबिलिटी कम है लोन की, आप ज्यादा के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं वो रिजेक्ट होगी। रिजेक्ट होने का कारण आपका स्कोर कम होना नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी भी कम होना। आपको 50 लाख का लोन अप्लाई कर रहे हैं, 20 लाख की एलिजिबिलिटी है, आपकी रीपेइंग कैपेसिटी, आपकी एज, मंथली इंस्टॉलमेंट, आपका फाइनेंशियल फैमिली बर्डन, इन सबको देखते हुए बैंक लोन देता है कि आपकी एज कितनी है,
आप कितनी किस्त दे सकते हैं, आपके ऊपर घर पर जिम्मेवारियां कितनी हैं। जी, यानी तमाम चीजें ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो मेंटेन होगा और फिर आपको आसानी से होम लोन। कभी कभी आपको क्या होता है, आप लोन ले लेते हैं रीपे नहीं कर पाते, या आपको कोई घर में ऐसी समस्या आ जाती है समय पे आप लोन नहीं दे पाते, उस वक्त आप। उम्मीद करते हैं कि जो तमाम चीजें आपने बताई है हमारे दर्शकों को, दर्शक उन्हें जरूर ध्यान में रखेंगे ताकि उन्हें आसानी से भविष्य में होम लोन मिल सके। शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। इसी के साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए समाचार।